हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ एसर के एस्पायर 3 लैपटॉप को। ये कैसा लैपटॉप है, इसके अंदर क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके स्पेक्स जान लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करते हैं। इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो इंटेल का i3 10th generation का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको 4 GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है जो कि आप 12 GB तक बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ आपको इसके अंदर 256 GB की SSD देखने को मिलती है। इसके साथ आपको कोई भी हार्ड ड्राइव देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप अलग से हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और इसका एक हार्ड ड्राइव वाला मॉडल भी आता है जिसमें SSD नहीं होती है, तो आप उसके अंदर SSD अलग से लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको हार्ड ड्राइव वाला वर्जन लेना है या SSD वाला वर्जन लेना है। और इसी के साथ आपको 15.6 inches का फुल HDTN पैनल देखने को मिलता है। और उसके साथ आपको एक HD रेडी वेबकैम देखने को मिलता है। और एसर ऐसा बोलता है कि जो इसकी बैटरी लाइफ है वो 9.5 घंटे तक चल सकती है। तो ये तो हो गए इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि आपको किसी भी वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पर्सनल यूज़ करके बता रहा हूँ कि ये लैपटॉप कैसा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। और डिज़ाइन की बात करूँ, जब मैंने पहली बार देखा तो हाँ भाई, इसका डिज़ाइन अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास जो कलर है वो ब्लैक है और पूरा लैपटॉप ब्लैक में है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, वो 1.9 kg है, तो आपको कोई भी महसूस नहीं होता है कि आप कोई बहुत भारी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। 15.6 inches की स्क्रीन के हिसाब से 1.9 kg ठीक ठाक है। आमतौर पर अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, इधर से उधर लेके जा सकते हैं, तो आपको वेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जो पूरी बिल्ड है वो प्लास्टिक की, कहीं भी आपको मेटल देखने को नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी चीप वाली फीलिंग होती है। लेकिन जो इसका प्राइस है वो आपको 35,000 rupees मिलता है। अगर मैं इसके डिज़ाइन का कंपैरिजन करूँ वीवो बुक से, तो ऑफकोर्स वीवो बुक का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन के मामले में वीवो बुक पसंद नहीं है तो शायद आपको ये पसंद आ सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लैक है। तो जिन लोगों को ब्लैक लैपटॉप अच्छे लगते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन अच्छा हो सकता है। बस यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, तो वो इतनी अच्छी आपको फील देती नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने महंगा लैपटॉप खरीदा है। वीवो बुक इसके हिसाब से डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है। और जो इसका कीबोर्ड है वो भी मतलब फुल आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब आप बहुत आराम से उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा आपको हर लैपटॉप में एक कीबोर्ड देखने को मिलता है वैसा मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आपको कोई स्पेशल कीबोर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा आपको इस प्राइस में जितने भी लैपटॉप्स में कीबोर्ड देखने को मिलेगा तो वैसा ही है, मतलब कुछ कोई नई चीज़ नहीं है, तो कीबोर्ड के मामले में ये सही है। और इसका जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि जो पहले विंडोज़ के लैपटॉप जो होते थे उसके अंदर ट्रैक पैड इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब सीरियसली काफ़ी सही है, काफ़ी मक्खन से चलता है ट्रैक पैड, कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। और मैं एक माउस यूज़ करने वाला बंदा हूँ तो मुझे ट्रैक पैड इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिकना चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो ये तो हो गई इसके कुछ डिज़ाइन की बातें। और डिज़ाइन के साथ साथ इसके जो स्पीकर हैं वो भी नीचे की तरफ दिए गए हैं, जिनका आउटपुट ज़्यादा लाउड नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई खास लाउड नहीं है। हाँ, वीवो बुक जो थी वीवो बुक से लाउड है जो इस प्राइस रेंज के अंदर आती है, लेकिन उतना लाउड नहीं है, ये आपको शिकायत देखने को मिलती है। और ऐसा भी लगता है कि जो इसकी साउंड है वो इतनी क्लियर नहीं है। और अगर इसके पोर्ट्स की बात करी जाए तो आपको एक अडेप्टर के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज करेंगे और पावर देंगे, और साथ में एक आपको एथरनेट का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप अगर लैन केबल लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। साथ में आपको इसमें HDMI का आउटपुट भी देखने को मिलता है, तो अगर आप इसको अलग से मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको HDMI आउट देखने को मिलता है। और साथ में इसमें आपको 3 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 USB 2.0 है और एक है 3.0। और साथ में इसमें एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, लेकिन एक शिकायत है कि इसके अंदर आपको कोई भी USB Type-C पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मुझे ज़रा सी पोर्ट्स के मामले में बुरी लगी कि इसके अंदर कोई भी USB Type-C पोर्ट नहीं है। और इसी के साथ मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई, आपको इसमें मैट फिनिश डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो मतलब आपकी आंखों को चुभे वो वाला डिस्प्ले नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा है, मैट वाला है, जिससे अगर पीछे से कोई लाइट भी पड़ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पड़ती है, आपको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है देखने में। और हाँ, इस लैपटॉप के अंदर आपको एक ब्लू लाइट शील्ड भी देखने को मिलती है जैसा एसर बोलता है, जिससे जो आपकी आंखों पे वो स्ट्रेन कम पड़ता है अगर आप लैपटॉप बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी कि आपकी आँखों की भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर आप कोई इसमें वाइट पेज खोलेंगे तो आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि वो थोड़ा सा येलोइश टिंट दे रही है, जो अच्छी चीज़ है, मतलब आपकी आंखों में स्ट्रेन कम पहुंचे, आप ज़्यादा देर तक लैपटॉप यूज़ कर सकें, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही। लेकिन यहाँ पर आपको एक TN पैनल देखने को मिलता है, जो कि आपको सस्ते लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। और जो ये TN पैनल है वो मुझे बस एक ही चीज़ परेशान करते हैं कि भाई, साइड के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। और इस लैपटॉप में भी वही कहानी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और अगर आप ऐसे लेट के कभी इधर लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है तो भाई नहीं देख सकते, आपको सामने ही देखना पड़ेगा स्क्रीन के, क्योंकि इधर उधर ज़रा सा भी देखेंगे तो जो
कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेड होने लगेंगे, आपको दिखने में परेशानी होगी, तो ये TN पैनल में कमी होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन के मामले में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो वेब कैम है वो आपको HD रेडी मिलता है 2020 में भी, और इसकी क्वालिटी कसम से बहुत बुरी है, मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मतलब मैं इसका जो वेब कैम है वो कभी यूज़ ही ना करूँ, इससे अच्छा मैं अलग थर्ड पार्टी कोई वेब कैम खरीद लूँ और उसकी जगह लगा लूँ। ये वेब कैम मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, सीरियसली बहुत बुरी क्वालिटी है, आप एक बार ज़रा चेक करिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके वेब कैम की क्वालिटी, आप खुद देख सकते हैं, और सीरियसली ये 2020 में उतनी बढ़िया नहीं है। और साथ ही में आप ऑडियो भी आप इसी के माइक्रोफोन से सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा ये 720 मेगापिक्सल का मतलब सिर्फ HD रेडी है, और इसका जो कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब सीरियसली ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो 480p में कर रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग के टाइम फुल HD का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो दिस इज़ नॉट वर्थ इट। तो ये इसकी क्वालिटी है, तो भाई वेब कैम की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। और साथ में इसके बैटरी लाइफ की बात करूँ, एसर तो बोलता है कि इसकी 9.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ करा तो मुझे 4 से 5 घंटे, मतलब 4 से तो ज़्यादा ही मिले, मतलब 5 घंटे आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और अगर आप इसकी ब्राइटनेस फुल कर देंगे और आप इस पर काफ़ी हैवी काम करेंगे तो इसकी जो बैटरी है वो अराउंड 3.5 से 4 घंटे चलेगी, और आप इसके अंदर मीडियम काम करेंगे तो 5 से 6 घंटे इसकी बैटरी लाइफ चलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं, अगर आप इसकी ब्राइटनेस फुल कर देंगे, सब चीज़ें फुल कर देंगे तो बैटरी थोड़ी कम चलेगी, लेकिन 9.5 घंटे इतना नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने इसको यूज़ भी करा, मतलब मीडियम यूज़ भी करा, तो मान के चलिए 5 से 6 घंटे आपको उसका बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि डिसेंट है, मतलब आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इतना काफ़ी होता है, मतलब 5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है, यार सही है। और कई लोग पूछते हैं कि भाई इसके अंदर गेम्स चलेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने एक काफ़ी पहले रिव्यू करा था वीवो बुक 14 का, उसके रिव्यू का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे उस लैपटॉप के बारे में पूछा था कि भाई इसमें गेम चल सकते हैं, तो भाई मैं पहले बता दूं कि ये जो बजट कैटेगरी के लैपटॉप्स आते हैं उसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड अलग से नहीं लगा होता, उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही होते हैं। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ जिसमें i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक आते हैं, और इसके अंदर भी आप कोई खास गेमिंग नहीं कर सकते, आप पुराने गेम्स खेल सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन आप कोई भी अच्छा गेम या भारी गेम इसके अंदर नहीं खेल सकते, और मैं बोलूँगा भी नहीं खेलें, आप इसके अंदर छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं बस, उससे ज़्यादा आप इसके अंदर गेमिंग नहीं कर सकते। आप इसके अंदर कोडिंग वगैरह कर सकते हैं या जो भी आपके स्कूल का काम होता है, अगर आप ऑफिस यूज़ करते हैं तो उस चीज़ के लिए ये सही है, लेकिन ये अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें मैं गेमिंग भी कर लूँगा तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए मेरे भाई, वो चीज़ नहीं हो सकती। और इस लैपटॉप की एक और चीज़ है कि इसके अंदर आपको कई सारे फंक्शन बटन देखने को मिलते हैं, तो मतलब आपको ऊपर की साइड आपको स्लीप का भी बटन देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस बढ़ाने और घटाने के भी आपको शॉर्टकट कीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो शॉर्टकट कीज़ भी आपको काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं, आप ट्रैक पैड भी ऑफ कर सकते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान बना देती हैं। अगर आपको स्लीप करना है तो आप डायरेक्ट एक स्लीप का बटन दबा सकते हैं और स्लीप हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, तो भाई इसके अंदर जो आपको CPU देखने को मिलता है वो इंटेल की तरफ से आने वाला लेटेस्ट i3 है, आपको i3 10th जनरेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4GB की रैम साथ में मिलती है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको 12GB तक कर सकते हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, और मैं आपसे बोलूँगा कि आप 8GB तो कर ही लीजिए, क्योंकि उससे नीचे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो इसके अंदर आपको SSD देखने को मिलती है वो कोई सेटा SSD नहीं है, वो NVMe SSD है, और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर आप बेंचमार्क देख सकते हैं इसके क्या हैं, तो ये SSD भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, कहीं भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, जो भी मैंने काम करे छोटे मोटे उसके अंदर मुझे कोई भी लैग देखने को मिला ही नहीं, आप सारे काम बहुत ही आराम से मक्खन तरीके से कर सकते हैं, बस इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करूँ 4GB रैम के साथ, तो वो तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप इसके अंदर फोटोशॉप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको इसकी रैम बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसके अंदर आप 8GB की रैम कर लीजिए, और साथ में अगर आपको इसको 256GB स्टोरेज कम लग रहा हो, आप 2.5 इंच की हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जगह मिलती है, और साथ में इसके हार्ड डिस्क के स्क्रूज भी आते हैं अलग से बॉक्स के अंदर, तो वो भी ले सकते हैं। और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इसका अडैप्टर, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो आपको अगर बैग में आप इसका अडैप्टर और लैपटॉप रखते हैं तो आपको ज़्यादा भारी लगेगा नहीं, क्योंकि आप कोई पावर ब्रिक लेके नहीं
जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब इतना सा है शायद, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप कहीं भी उसको रख सकते हैं, आपको रखने की परेशानी नहीं होगी और कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो अडैप्टर मुझे छोटे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं इसकी वेबकैम की एक और चीज़ बता दूँ कि ये वेबकैम आपका फेस अनलॉक के लिए भी काम नहीं करता, मतलब इतना बुरा है कि फेस अनलॉक के लिए भी काम नहीं करता। तो अगर आप इसको फेस अनलॉक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और साथ में आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि जो इसका कॉम्पिटिटर है वीवो बुक, उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अनलॉकिंग का कोई अलग से फीचर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये वीवो बुक से थोड़ा सा पिछड़ जाता है। तो बात कर लेते हैं आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो कुछ बातें हम कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर आपको कोई भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, आप इसके साथ फेस आईडी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें, अगर आप इन तीनों को यूज़ करते हैं तो ये तीनों चीज़ें नहीं है। और साथ में इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी इतने कोई खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेडेड हो जाते हैं अगर आप ज़रा सा भी आड़ा होकर देखते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, मतलब आप मीडियम यूज़ पे 5-6 घंटे यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी बैटरी लाइफ उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। आपको इसके अंदर अपग्रेड के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप हार्ड डिस्क अलग से लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, आप रैम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, तो इसके अंदर आपको अपग्रेड के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसका वेबकैम काफ़ी ज़्यादा बुरा है, तो अगर आप स्काइप या वीडियो कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे आजकल आप जूम वगैरह या जियो मीट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, तो भाई इसके लिए आपको शायद अलग से वेबकैम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेबकैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ कमियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लेटेस्ट i3 देखने को मिलता है, आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको NVMe SSD देखने को मिलती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होती इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी सही लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि आपको कोई इतनी बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो कि काट दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बजट में आता है, मतलब ये 35,000 रुपये के अंदर आता है, और सेल में तो ये आपको 30,000 रुपये का मिल जाता है, मतलब ये जो लैपटॉप मंगाया था वो 30,000 रुपये का मंगाया था, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन अगर आपको ये मिल रहा है 38,000 या 40,000 के बीच का, तो वहाँ पे मत लेना, क्योंकि कभी कभार ये ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, उतना खरीदने का बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।